Hi guys, welcome back again to my channel after 6 months, right? Yeah, अब ये सातवां महीना भी चल रहा है, 7 months, फॉर मैंने वीडियो नहीं डाला इसलिए, कुछ और मत समझना. एंड सो या सो इन दिस वीडियो, और आप अभी सोच रहे होंगे कि भाई हो कहाँ, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या मतलब आगे क्या हो रहा है, कुछ अपडेट, कोई चीज़, आप कहीं कोई वीडियो नहीं डाली, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो भाई इस बात का मैं जवाब आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं, अगर आप गौर करोगे तो. हुआ ऐसा कि आपको पूरी कहानी बताऊंगा मैं, 6 महीने मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली, क्या रीज़न था, व्हाट इज़ द बिहाइंड रीज़न ऑफ दिस, तो मैं सभी बताऊंगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा. क्यों? क्योंकि ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है. जी हाँ, मैं मिलने जा रहा हूँ इक्लिप्स नोवा से, और उस वीडियो का मैंने प्रॉपर व्लॉग किया है, और मैं उस वीडियो को व्लॉग के जरिए आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. तो आप देखो और एन्जॉय करो. मैंने बातें की उनसे, काफ़ी बातें की, और बहुत मज़ा आया बात करके. इट वॉज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक फॉर मीटअप फॉर मी. एंड ये मैं पहली बार किसी यूट्यूबर से मिलने गया हूँ, तो इट्स माई फर्स्ट टाइम. और मैं कभी ऐसे मतलब होता था ऑलरेडी, मीटअप्स बहुत होते हैं मुंबई में, तो मैं किसी मीटअप्स में नहीं गया था. दिस वॉज द फर्स्ट मीटअप फॉर मी. और मैं गया, काफ़ी बातें की हैं, थोड़ी मस्ती भी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा. तो आप ब्लॉग के थ्रू उसको इन्जॉय कीजिए, और तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि जून का टाइम था, इट्स लाइक 14 जून, और मैंने इक्लिप्स नोवा भाई का एक स्टोरीज देखा, और वहाँ पे मैंने देखा कि इक्लिप्स नोवा अपलोड कर रहे हैं स्टोरी उनके नए सॉन्ग्स के बारे में, मेरा सफ़र, एंड ऑल्सो ही अनाउंस्ड कि हम मीटअप करने वाले हैं. तो मुंबई में जितने लोग हैं, और ऑफकोर्स वो मुंबई में है, तो मुंबई में जितने भी लोग हैं वो आके मीटअप कर सकते हैं, क्योंकि हम 20 या 21 को मीटअप करेंगे, 21 जून को. ओके, तो मैंने देखा एक नोटिफिकेशन आया मेरे फ़ोन पे, वहाँ पे था इक्लिप्स नोवा का नोटिफिकेशन. आई जस्ट क्लिक ऑन अ वीडियो, और वहाँ पे मुझे को मैंने वहाँ उस वीडियो में मैंने देखा कुछ ऐसा. तो जी हाँ, तो इसके बाद मैं सोचा कि ठीक है, अब निकलना है कल, और आई वॉज़ प्लानिंग, और ठीक है फिर नेक्स्ट डे हुआ, और इट्स 5 जुलाई मॉर्निंग, तो उसके लिए अभी मुझे निकलना है. टाइम हो रहा है कुछ अभी 1:27 or 1:28, और मुझे यहाँ से वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ. तो चलिए फिर रेडी हो जाते हैं फटाफट, रेडी होके चलते हैं. तो मैं रेडी हो गया, तो रेडी होने के बाद बस मैं निकल पड़ा. निकलने के बाद जस्ट, तो उसके बाद मैंने लोकल ट्रेन में पहुंचा, और बारिश के कारण, लिटरली बोल रहा हूँ, लोकल ट्रेन पूरा खाली था. और इट वाज लाइक कि यार, लोकल ट्रेन में अगर आप बारिश के टाइम में सफ़र कर रहे हो, तो यार उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है. अगर आप देखोगे, आप व्यू देखो, तो इट वाज लाइक अलग ही मज़ा था. और जब ट्रेन खाली मिल जाए, क्योंकि लोकल खाली नहीं मिलता कभी भी मुंबई का, आपको लोकल खाली नहीं मिलेगा. और मैं ऐसे टाइम पे निकला था जो कि बारिश भी हैवी था, और दोपहर का टाइम था, तो दोपहर के टाइम पे आपको मोस्ट ऑफ केसेस में बैठने को मिल जाता है लोकल में, लेकिन इतना खाली नहीं मिलता, क्योंकि बारिश की वजह से लोकल खाली था. तो उस चीज़ का मैंने काफ़ी लिटरली बहुत ही अच्छे से, प्रॉपर तरीके से उसका लुफ्त उठाया. तो मैं सीट में बैठा हुआ था ट्रेन में, एंड मैं देख रहा था बाहर, इट वाज अ व्यू, इतना अच्छे अच्छे दिख रहे थे, आपको दिख रहा होगा पहाड़ी वगैरह दिख रहे हैं, जिसके ऊपर फॉग वगैरह, पूरा इतना खूबसूरत नज़ारा था. उस नज़ारा में मैं खो गया, और आप भी होते शायद आप भी खो जाते, और खो गया. उसके बाद जब वो पहाड़ ओझल हुआ ना मेरी नज़र से, तो फिर मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया कि यार ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं निकला था कि मैं वहाँ जाके
कुछ मतलब व्लॉग करने वाला हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैं बस इतना कि यार जाएंगे, मिलेंगे और आ जाएंगे। तो फिर बस सोचा, और उस समय बैठे टाइम पे तभी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई वहाँ जाने के बाद मैं नोवा से बात क्या करूँगा। तो मतलब जिस बंदे को आप 12th स्टैंडर्ड से देख रहे हो, और मैं लिटरली मैं नोवा भाई को 12th स्टैंडर्ड से देख रहा हूँ व्हेन ही वाज इन IIT। तो भाई गिटार लेके लड़कियों को लाइक कंटेंट के लिए लड़कियों को गाना गा के प्रपोज़ किया करते थे एंड उनके नंबर्स लिया करते थे, लाइक यू नो इट्स जस्ट फॉर कंटेंट, यूट्यूब कंटेंट। तब से अब तक का सफ़र उनका बिग ब्रेन को में को फाउंडर तक का, इट वाज लाइक कि हाँ यार मतलब इस बंदे से मिलने जा रहा हूँ मैं, जिसको मैं 12th में देखा करता था, और तब से मैं देख ही रहा हूँ कंसिस्टेंटली। उनके गाने भी काफ़ी सुने हैं, अलग अलग मिडिल क्लास एंड काफ़ी गाने हैं उनके जो उनके रियल चैनल पे अपलोड होते हैं, जो रियल वन इज़ एक्लिप्स नोवा एंड सेकंड चैनल इज़ एक्लिप्स नोवा ब्लॉग। तो बस वही सोच रहा था कि यार क्या बातें की जाएगी। तो सोचते सोचते ही हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, तो आगे अखार हमारा खार स्टेशन, तो हम वहाँ पे उतरे। उतरने के बाद फिर आगे क्या हुआ आप देखिए। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ खार स्टेशन, और यहाँ से अब नोवा भाई पता नहीं किधर बुलाया है, कौन से हैबिटेट कैफे जाना है। तो काफ़ी लॉन्ग लंबा सफ़र रहा लोकल का, चलते हैं हैबिटेट और आपको ट्राई करेंगे मिलने का एक्लिप्स नोवा से। और मैं जस्ट पूछ लिया किसी से, भाई ये वेस्ट है कि ईस्ट है, तो उसने बोला अरे भाई ये ईस्ट है, तुम कहाँ, तुमको कैसा वेस्ट लगता है, ये वेस्ट नहीं है ये ईस्ट है। तो मैं बोला आई लिटरली ओ शिट मैन, ये तो ईस्ट है, और मैं अपना शू भिगा लिया। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, जब ईस्ट में पानी है तो वेस्ट में भी होगा ही, कोई बात नहीं देखते हैं अगर वेस्ट। तो मैं वेस्ट में गया, तो फिर वहाँ से मैं निकला, उसके बाद ढूंढते ढूंढते गूगल मैप के थ्रू मैं पहुँचा। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट हैबिटेट सेंटर, तो आप देख सकते हो सामने ही है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके, ये रहा हैबिटेट कैफे एंड यहाँ पे ही हमारा मीटअप होने वाला है। तो आगे देखो हमने कॉन्सर्ट था वहाँ पे। अरे दोस्तों क्या हाल है, सो आई बीन, कौन बोला, कौन बोला, तू फाइन है, चलो कोई बात नहीं। एनीवे अभी आई बीन नोवा Okay, so I'll be singing a song. It's called Middle Class. Have you heard the song? Yes, yes, yes. Okay, so it's very close to my heart. मैंने इसको तब लिखा था जब एक दिन मैं शाम को सो के उठा एंड मेरी मम्मी मेरे से कहती है कि प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। मैंने बोला क्या प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, एंड इसके बाद मैंने एक गाना लिख दिया। तो ये प्रिपरेशन चल रहा था मेरा। अब सुनाते हैं सॉन्ग, प्ले द सॉन्ग प्लीज। बचपन में सोचा था कि बड़ा कुछ करूंगा, पापा के मिडिल क्लास सोच से लड़ूंगा, दुनिया वालों ने मुझे इतना डराया, हुए देखो आज 4 साल कॉलेज में सरूंगा। जरूरी पहले जॉब आगे शादी फिर तो बच्चे मजबूरी चुकी है ये जाने कैसे तेरी कमजोरी, करियर सिक्योरिटी नाम दे के बेच दे गुलामी, ऐसा लगेगा तुम्हें ये तुम्हारे शुभ चिंतक है, सपनों को खा रहे रिश्तेदार ऐसे दीमक है जो खुद ये ना कर पाएंगे हार की ये कीमत है, ना रहमत है ना सहमत फिर भी जिंदा हो गरीमत है।
भी इनको चाहिए जन्नत बिना रिस्क लिए, क्यों शायद इनके खुद के सपने पूरे होने वाली नौकरी है इनकी दुआ। मेरी गलतियां हैं क्या कोई मुझको बता, जो मैं खुद से ना सो फाइनली आई एम गोइंग टू मेट नोवा। तो बहुत एक्साइटेड था इस टाइम के लिए, सो फाइनली आई मेट। भाई का गाना आ रहा है, प्लीज प्लीज आके देखो। आई लव दिस सॉन्ग, मैंने सुना है, बहुत सही गाना है रियली। लर्नर, क्या लर्न करवाते हो? क्या व्लॉग बना रहे हो? गाइडेंस टाइप करियर में शिफ्ट कर रहा हूं व्लॉग। मेरी मुझे करियर बनवाना है, बन जाएगा आपका चैनल देख के? श्योर श्योर बन जाएगा, ऑफ कोर्स। बस मेरा चैनल, मेरा करियर बन रहा है भाई, तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर दो बढ़िया से। और बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बाहर से तो सभी बढ़िया, अंदर से कैसे हो? दिल के अंदर से कैसे हो? दिल के अंदर दर्द दुख पीड़ा कुछ है? टूटा हुआ। क्यों टूटे हुए ये बताओ? देखो करियर बनवाते रहो, हमारे बन जाएगी आशा करके। चलो ब्रो, लवली मीटिंग यू। भाई हमारे आए बहुत दूर से, ठीक है, बट भाई के साथ हमने बहुत दिन बात किया, बहुत अच्छा लगा। एंड मतलब आते बात करते तो सही लगता है भाई ऐसे, मतलब फिर जब 10,000 हुए, आज 100 के हुए थे, 100 के भी मुझे फीलिंग हो रही थी कि भाई अभी तक 10,000 वाला ही है। मतलब ऐसे नहीं बोल रहे कैमरे बोलने के लिए, बस 100 के वाली ग्रेविटी मुझे फील नहीं हुई। एक बार करके देखो, फिर जो पहले 100 सब्सक्राइबर घिसोगे ना, नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। बहुत बहुत मतलब वो नेक्स्ट लेवल वो इंपॉर्टेंस देते हैं 100 सब्सक्राइबर को। अमेजिंग, काफी सही था, बिल्कुल आज मजा आ गया। बाकी तो मेरा सफर रिलीज कर रहा है, सुन लेना। हां, मेरा सफर मैंने बोल दिया है, ऑफ कोर्स। सो चलो ब्रो, ग्रेट मीटिंग यू आकाश भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग। लवली भाई, आकाश मुजुंदर स्पॉटेड। So that's it for today's vlog guys, and it was an amazing meetup with Eclipse Noah, Paritosh Anand and also Akash Muzundar, sorry, and it was a great good meetup. और मैं अभी भी वहीं पे हूँ, कुछ टाइम के बाद अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे अपना घर पे। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 8:30 या 9 के करीब हो रहे हैं, और मुझे जाना है काफ़ी दूर, तो मैं सोच रहा हूँ कि निकलते हैं कुछ टाइम में। और आप देख लो अभी भी सभी यूट्यूबर्स अपने व्यूअर्स से मिल रहे हैं, सभी लोग मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीटअप विद एवरीवन। मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि मैं मिल पाऊँगा इतना ज़्यादा और ऐसे प्रॉपरली, और अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे से, मतलब यार बहुत डाउन टू अर्थ बात किया एक्लिप्स हुआ आकाश है, दैट वाज अ अमेजिंग मीटअप विद देम रियली, और मज़ा आ गया तो पूरा। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी एफर्ट मारा हूँ इस ब्लॉग के लिए आने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा था और मुझे यहाँ आना था, तो इसलिए मैं कैसे तो कैसे, मेरा शू अभी तक भीगा हुआ है। तो आपको पसंद आया होगा, तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो, दैट्स ग्रेट।